राजधानी दिल्ली में शनिवार रात बारापुला फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें नाबालिग की मौत की खबर है। हादसे में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त था कि ऑटो तहस नहस हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर यानी बारापुला फ्लाईओवर पर जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसका चालक तुरंत फरार हो गया। ऑटो में सवार कुल 5 लोग घायल हुए हैं। बच्चे ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। डीसीपी साउथ ईस्ट ईशा पांडे ने जानकारी दी कि हादसे में परिवार के 4 लोगों को चोटें आईं, सभी गंभीर रूप से घायल हुए। 4 लोगों के परिवार में 13 साल के लड़के की मौत हो गई। माँ वेंटिलेटर पर है और बाकी पिता और एक दूसरे बेटे का इलाज चल रहा है। 18 मार्च की रात 8:40 पर हुए हादसे के बाद आरोपित वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और एड्रेस का वेरिफिकेशन करने के लिए टीम भेजी गई है। कानून के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।